हर हर महादेव। दोस्तों आज मेरे ब्रह्मचर्य का 15वां दिन है और भोलेनाथ की कृपा से आज फिर मैं 3:55 पर उठ गया था। तो यदि आप यात्रा वाले ज्योतिर्लिंग ही कर रहे हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं रामेश्वरम से, और रामेश्वरम से दर्शन करते हुए आप नॉर्थ की तरफ केदारनाथ की तरफ। हम जब 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं तो दक्षिण से पूर्व की ओर ही करते हैं, तो दक्षिण से शुरुआत करनी चाहिए। आप चाहें तो सोमनाथ से भी जा सकते हैं, यदि आप चाहें तो रामेश्वरम से जा सकते हैं। तो जैसे रामेश्वरम से जा रहे हैं, यदि आप नॉर्थ से आ रहे हैं तो आप गंगा जल लेके आइए गंगा जी से, और रामेश्वरम में जल चढ़ा दीजिए। और आप रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद फिर आपको किस तरीके से जाना है मैं आपको ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल उसी हिसाब से जाएंगे तो एक सही समय में और बिना प्रॉब्लम के आप आराम से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रामेश्वरम आ जाइए। रामेश्वरम से आपको बस से आना पड़ेगा मदुरई, करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है मदुरई का। मदुरई से आप मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करते हुए आप सीधी ट्रेन पकड़िए से तिरुपति बालाजी की, और तिरुपति बालाजी या हैदराबाद की, तो सबसे बढ़िया रहेगा तिरुपति जाइए आप। तिरुपति से आप ट्रेन चेंज करेंगे फिर मनकापुर, यानी कि आप मल्लिकार्जुन के दर्शन करेंगे। बाद मल्लिकार्जुन से फिर आपको सीधे चले जाना है संभाजी नगर। संभाजी नगर के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, और जो कि करीब 20 घंटे का रास्ता रहेगा। दोस्तों संभाजी नगर है महाराष्ट्र में, यानी कि संभाजी नगर को औरंगाबाद भी बोलते हैं। तो आप सीधे संभाजी नगर चले जाइए औरंगाबाद, और औरंगाबाद में आप वहाँ पर रुकिए, और वहाँ से आप 30-40 किलोमीटर घृष्णेश्वर है, घृष्णेश्वर, तो आप घृष्णेश्वर चले जाइए, वहाँ पर दर्शन कीजिए। और घृष्णेश्वर में ही दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, तो आप गुफाओं को भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी गुफाएं हैं। उनमें आधा दिन एक दिन आराम से आपको लग जाएगा। बहुत ज़्यादा 20-21 केव हैं और बहुत लंबी चौड़ी केव हैं। औरंगाबाद आ जाना है, औरंगाबाद से आप डायरेक्ट नासिक के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगा। तो घृष्णेश्वर से नासिक की जो दूरी है करीब 5 से 6 घंटे की है, औरंगाबाद से नासिक की दूरी। आप नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ के दर्शन कीजिए। नासिक से जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी है वो भी करीब 40 से 50 किलोमीटर है, तो वहाँ से बस जाती है, आप बस से त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, और त्र्यंबकेश्वर से फिर आपको वापस नासिक आ जाना है, और नासिक से आप ट्रेन पकड़िए और सीधे चले जाइए पूना रोड पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। और भीमा शंकर जाने के लिए आप बस से पूना रोड पर जाएंगे तो करीब 150 किलोमीटर आपको नासिक से भीमा शंकर के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर और बस मिलेगी। इस तरीके से आप भीमा शंकर पहुँच जाएंगे। भीमा शंकर पहुँचने के बाद दोस्तों फिर आपको वापस आ जाना है जहाँ से आपने बस पकड़ी थी पूना रोड पर, वहाँ से फिर आपको पूना या मुंबई निकल जाना है, और मुंबई से फिर आपको ट्रेन पकड़नी है खंडवा के लिए, क्योंकि अब आपको जाना है एमपी में, जो कि 2 ज्योतिर्लिंग है। तो आपको एमपी में जाने के लिए आपको आना पड़ेगा खंडवा। खंडवा से आपको बस पकड़ के 100 किलोमीटर की दूरी है, आपको चला जाना है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में आप दर्शन कर लीजिए। ओमकारेश्वर से फिर आपको जाना है उज्जैन। तो आपको जाना पड़ेगा ओमकारेश्वर से पहले इंदौर, इंदौर से फिर आपको जाना पड़ेगा उज्जैन। तो ओंकारेश्वर से इंदौर जाने के लिए आप बस पकड़ लीजिए, जो कि करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, और इंदौर से उज्जैन जाने के लिए आप ट्रेन या बस से जा सकते हैं, जो करीब 1.5-2 घंटे का और रास्ता और है। आप उज्जैन जाकर आप महाकालेश्वर जी के दर्शन कर लीजिए। वहां से फिर आपको ट्रेन पकड़नी है सीधी गुजरात के लिए। आप गुजरात जाएंगे, जो कि 2 ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ है और दूसरा है नागेश्वर। नागेश्वर है द्वारका में और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ में है। तो आप सीधा उज्जैन से ट्रेन पकड़ के सोमनाथ पहुंच जाइए और सोमनाथ के दर्शन कीजिए। वहां पर रुकिए, वहां पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, और वहां पर दर्शन करने के बाद फिर आपको ट्रेन मिल जाएगी डायरेक्ट आपको नागेश्वर टेम्पल के लिए, यानी कि द्वारका के लिए। द्वारका का जो दूरी है करीब 10 से 12 घंटे आपको लग जाते हैं ट्रेन से। तो आप 10 से 12 घंटे आपको लगेंगे ट्रेन से सोमनाथ से द्वारका के लिए। तो आप सीधे द्वारका दर्शन कीजिए, नागेश्वर जी के भेंट द्वारका है, बस आपको भेंट द्वारका भी घुमा देगी। फिर आप भेंट द्वारका से वापस आप आ जाएंगे द्वारका, और द्वारका से सीधी ट्रेन आपको अब जाना है बनारस।
बनारस जाने के लिए आप सीधा द्वारका से भी ट्रेन चलती है, और गुजर आप अहमदाबाद में आ जाएंगे द्वारका से तो अहमदाबाद से भी ट्रेन जाती है। तो इस तरीके से आपको जाना है बनारस। बनारस में विश्वेश्वर भगवान के मंदिर ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन कीजिए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन कीजिए, गंगा आरती देखिए, वहाँ पर स्नान गंगा स्नान कीजिए। और दर्शन करने के बाद आपको अब जाना है बैजनाथ। बैजनाथ जो है ज्योतिर्लिंग, जो कि वो है झारखंड में। तो आपको झारखंड जाने के लिए आपको पकड़नी पड़ेगी ट्रेन। ट्रेन आप पटना होकर भी जा सकते हैं, जो 5 से करीब 6 घंटे का समय लगेगा, कम से कम 6-7 घंटे आप ट्रेन पकड़ के बैजनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। स्टेशन से करीब आपको 15 से 20 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, बैजनाथ के दर्शन करने के बाद फिर आपको वापस आना पड़ेगा बनारस ही, और फिर आपको बनारस से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के फिर आपको जाना पड़ेगा। सिर्फ आपके बच्चे 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, अब आपको जाना है केदारनाथ। केदारनाथ जाने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो कि आपको हरिद्वार छोड़ेगी, और करीब 20 घंटे आपको लग जाएंगे। तो आप बनारस से हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार से अब आपका जो रूट है वो ट्रेन का नहीं रहेगा, अब आप सिर्फ मात्र बस से ही जा सकते हैं। तो बस से जाने के लिए आप हरिद्वार से आप डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं केदारनाथ के लिए, या फिर ऋषिकेश से भी जा सकते हैं। एक टूर पैकेज में भी बस जाती हैं, यदि आप पैकेज वाली बस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से बस से जाएंगे तो आपको कम से कम 14-15 घंटे आपको लग जाएंगे केदारनाथ पहुंचने के लिए। केदारनाथ पहुंचिए, वहां पर कुंड है, गर्म कुंड में स्नान कीजिए, आराम कीजिए, फिर वहां से आप यात्रा शुरू कर दीजिए। और जो कि केदारनाथ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वहाँ पर स्नो रहती है, स्नो भी पहाड़ देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी प्रकृति वहाँ पर बर्फ़ भी, कभी कभी बर्फ़बारी भी होती है, तो ठंड रहती है। खासकर वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी चला जाता है, तो इसलिए आप खास ध्यान रखें, केदारनाथ जा रहे हैं तो थोड़ी तैयारी के साथ जाएं। इस तरीके से आपका 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे बाई ट्रेन। अब इसमें खर्चा कितना आया वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ट्रेन से आप लगाएंगे तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये में आपके सारे रिजर्वेशन हो जाएंगे, और रिजर्वेशन आपको पहले करने ही पड़ेंगे। यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो रिजर्वेशन करा लें पहले एक बार, पूरा जो मैं बताया हूँ उसी रूट को पकड़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी जब गया था बहुत सारी रिसर्च की थी, बहुत सारा मैंने प्लान बनाया, तो इस तरीके से आपको एक प्लान बना लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो मैं बताया हूँ उस हिसाब से प्लान बनाएंगे। जो मैं ट्रेन बताया हूँ वो ट्रेन आपको वहाँ से मिल जाएगी, और उस इन सब का जो खर्चा आएगा रिजर्वेशन का 6 से 7 हज़ार रुपये आएगा। बाकी जो बस हैं, कहीं कहीं बस से भी जाना पड़ेगा, जैसे केदारनाथ में जाना पड़ेगा, कुछ स्टेशन से दूरी है जैसे औरंगाबाद से घृष्णेश्वर है, मल्लिकार्जुन के लिए भी बस से हैदराबाद से जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो बस का खर्चा आएगा, मान के चल लीजिए आप 2 से 3 हज़ार रुपये बस का आएगा, तो आपका करीब 10-12 हज़ार रुपये आएगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा। खाने का खर्चा, आप इनमें घूमेंगे कम से कम 35 दिन आपको लग जाएंगे, 25 से 30 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रुकना चाहते हैं तो आप कम से कम 35-40 दिन में घूमेंगे तो आपका जो खाने का खर्चा कम से कम 15,000 आ जाएगा, 10,000 ट्रांसपोर्ट, 15,000 वो 25,000 हो गया होटल वगैरहों के जो रूमों के खर्चे आएंगे। यदि आप आराम आराम से घूमते हैं तो 10,000 वो मान लीजिए, तो आपका करीब 35 से 40 हज़ार रुपये लग जाएगा। लेकिन यदि आप फास्ट में घूमना चाह रहे हैं, आपके पास समय कम है और कम समय में ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसे प्लान बनाइए कि पहले आप रामेश्वरम जाइए, वहाँ से सुबह रामेश्वरम पहुँच जाएँ, फिर शाम को लौटते हुए पूरे दिन दर्शन हो गए रामेश्वरम में, शाम को मदुरई आ गए। अब ट्रेन का ऐसा प्लान कीजिए शाम को कि शाम को ट्रेन मिल जाए, सुबह आपको तिरुपति छोड़ दे, तो आप रात भर आराम से अपना जो सीट रहेगा आराम से कन्फर्म सीट रहेगा वहाँ सो सकते हैं। फिर आप वहाँ पर मल्लिकार्जुन पहुँच जाइए, तो सुबह आप मल्लिकार्जुन पहुँच जाएँ, इस तरीके का प्लान बनाएंगे, तो शाम को आप वापस आएंगे, फिर शाम को जब ट्रेन से निकलेंगे घृष्णेश्वर, 20-22 घंटे की रास्ता है जो कि आपकी और हैदराबाद से घृष्णेश्वर की, तो 20 घंटे में आप आराम से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका नींद भी अच्छे से पूरा हो जाएगा, और आप ट्रेन में रिजर्वेशन करके इस तरीके से आप बिना रिजर्वेशन के यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी सलाह है आप जाएं तो कम से कम रिजर्वेशन करा के जाएं,
और यदि आपका वेटिंग में है तो आप ये देख लीजिए कि क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत समस्या आ जाएंगी। दूसरी बात, आप रिजर्वेशन करा रहे हैं, आपने प्लान बना लिया कि मैं इस दिन यहाँ इस तारीख को यहाँ पहुँचूँगा, इस तारीख को यहाँ पहुँचूँगा, इस तारीख को यहाँ पहुँचूँगा, तो उसमें ये भी देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन लेट भी हो सकते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती हैं, बुखार भी आ जाता है, कभी कभी ट्रेन भी मिस हो सकती है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिए कि यदि मैं 5 दिन में यहाँ पहुँच रहा हूँ या 1 हफ्ते बाद इस ज्योतिर्लिंग पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ से वहाँ जाने को यदि मैं एक दिन लेट भी हो जाता हूँ तो एक दिन अगले दिन का भी आप रिजर्वेशन वेटिंग में या किसी तरह से, या तो स्लीपर में, थर्ड एसी से जा रहे हैं तो आप थर्ड एसी से आप जा रहे हैं तो स्लीपर का भी साथ में 1-2 दिन का इस तरीके से कहीं कहीं डबल आपको करना पड़ेगा कि यदि मैं यहाँ तक पहुँचने में लेट हो गया तो मैं एक दिन लेट का रिजर्वेशन यहाँ का भी करा लेता हूँ, यदि मैं पहले पहुँच जाता हूँ तो एक दिन पहले का भी करा लीजिए। तो इस तरीके से आपको कैंसिल आप कर सकते हैं, जो भी समय पर पहुँच रहे हैं उस रिजर्वेशन का, उस डेट का फ़ायदा उठाइए, बाकी कैंसिल कर दीजिए। आपको ये सब करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कम समय में 25 से 30 दिन में आप करना चाहते हैं तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं जगह ऐसी हैं, जैसे आपको मल्लिकार्जुन से आप वहाँ पर जाएंगे घृष्णेश्वर, तो चलो वहाँ तक तो आपका प्लान लगभग सही रहेगा, लेकिन घृष्णेश्वर 3-4 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट भी आ जाती है, और मैं आपको बता दूँ भोलेनाथ परीक्षा भी लेते हैं, वो देखते हैं कि बुखार आएगा, आपकी हिम्मत कर रही है दर्शन करने की या नहीं। यदि आपके मन में इच्छा है दर्शन करने की, भोलेनाथ को सच में मानते हैं, तो फिर आपको दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, चाहे बुखार हो जाए कुछ हो जाए, भोलेनाथ आपको अंदर ऐसी कृपा बरसा देते हैं कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सब चीज़ें फिर अपने आप आसान होने लग जाती है। शुरुआत में लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन जब आप सच में दिल से आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं तो भोलेनाथ जरूर आपके साथ रहते हैं पूरी यात्रा के दौरान, ये अनुभव तो आप ज़रूर ही करेंगे। तो इस तरीके से आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। बाकी आपको पूरी जानकारी चाहिए कि ट्रेन नंबर कौन सी रहेगी, कौन सी ट्रेन कितने बजे है, किस तरीके से, पूरी डिटेल में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं और वीडियो बना दूंगा, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव, राधे राधे।